हरियाणा के पंचकुला में बॉक्सर विजेंद्र सिंह से पूछताछ, पंजाब पुलिस कर रही है पूछताछ। ड्रग तस्करी के मामले में हो रही है पूछताछ, बॉक्सर राम सिंह ने लिया था विजेंद्र का नाम। पंजाब पुलिस की टीम में डीएसपी और इंस्पेक्टर, हरियाणा पुलिस के बुलावे पर आए विजेंद्र। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स तस्कर अनूप सिंह से संपर्क में थे बॉक्सर विजेंद्र, कॉल डिटेल से हुआ खुलासा। पुलिस के हाथ नहीं आया है अभी तक बर्खास्त डीएसपी जगदीश भोला, 130 करोड़ की तस्करी में पुलिस लगातार दे रही है दबिश। गैंगरेप के आरोपी राम सिंह की खुदकुशी पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने माना सुरक्षा में हुई गंभीर चूक। गृह मंत्री ने कुछ कैदियों की आत्महत्या की रिपोर्ट से किया इनकार, कहा इस तरह की खबरें गलत। गृह मंत्री ने कहा मामले की हो रही है न्यायिक जांच, जांच के बाद ही सामने आएगा सच। शीला दीक्षित पर शिंदे ने किया पलटवार, कहा लिखकर मांगे तो सौंप देंगे दिल्ली पुलिस की कमान। शिंदे ने कहा शीला दीक्षित ने कई बार कही है केंद्र और राज्य की बात, जो चाहे लिखित ले ले, नाराज नहीं करेंगे। दिल्ली गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी राम सिंह ने की खुदकुशी, तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर दी जान। राम सिंह ने रोशनदान से लटक कर की खुदकुशी, अपने ही कपड़ों से बनाया फांसी का फंदा। 7 फीट ऊंचे रोशनदान से लटका राम सिंह, लोहे के दरवाजे के ऊपर बना हुआ है रोशनदान। राम सिंह के पास 3-4 जोड़ी कपड़े, सारे कपड़ों और दरी को फाड़ फाड़ कर आपस में जोड़ा, आड़े से बनाया फंदा। देर रात तक परेशान था राम सिंह, आखिरी बार रात 2 बजे दिखा टहलते हुए। सुबह 6 बजे प्रार्थना से पहले होनी थी कैदियों की गिनती, गार्ड ने 5 बजे लटका हुआ पाया राम सिंह को। जेल नंबर 3 के वार्ड नंबर 2 में था राम सिंह, छोटी सेल में रखा गया था कैद। राम सिंह के साथ 3 और कैदी थे मौजूद, सुधीर श्याम और किशन भी रेप के आरोपी। राम सिंह को होना था आज अदालत में पेश, साकेत के फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी थी पेशी। अस्पताल भेजा गया राम सिंह का शव, दिल्ली के डीडीयू अस्पताल में हो रहा है पोस्टमार्टम। राम सिंह की खुदकुशी केस में जांच के आदेश, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को सौंपी गई जांच। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मांगी घटना की रिपोर्ट, दिल्ली पुलिस से मांगी गई जानकारी। राम सिंह की खुदकुशी के बाद तिहाड़ में चौकसी बढ़ी, दिल्ली गैंगरेप बाकी आरोपियों की सुरक्षा कड़ी। तिहाड़ में रेप के बाकी आरोपियों की होगी काउंसलिंग, सेल के बाहर 24 घंटे होगा एगार। राम सिंह मामले में तिहाड़ जेल से रिपोर्ट मांगी का फास्ट ट्रैक कोर्ट, राम सिंह के खिलाफ बंद हो जाएगा केस। राम सिंह के वकील ने घटना पर जताया अफसोस, दबाव में खुदकुशी की जताई आशंका। राम सिंह के पिता मांगेलाल ने खुदकुशी पर उठाया सवाल, कहा हत्या हुई है बेटे की, पहले भी बेट से हुआ था हमला। राम सिंह मां ने कहा सब कुछ कबूल करने के बाद आत्महत्या क्यों करता राम सिंह, हत्या की जताई आशंका। दिल्ली गैंगरेप केस में लड़की के दोस्त के पिता ने खुदकुशी पर जताई आशंका, कहा होनी चाहिए घटना की सीबीआई जांच। वकील केटीएस तुलसी ने बताया घटना को अफसोसनाक, केस पर असर ना पड़ने की जताई उम्मीद। फिर शर्मसार हुई देश की राजधानी दिल्ली, अक्षरधाम के पास महिला को अगवा कर चलती कार में गैंगरेप। मेडिकल रिपोर्ट में हुई बलात्कार की पुष्टि, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। महिला के मुताबिक कार में सवार सभी लोग उसके पहचान के, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली में पुलिस के दावों की खुली पोल, राजधानी दिल्ली में इस साल मार्च महीने तक रेप के 247 मामले दर्ज। पिछले साल दिल्ली में दर्ज हुए रेप के 706 मामले, पुलिस के मुताबिक कई मामलों में आरोपी जानने वाले। अब बीजेपी में यशवंत सिन्हा नाराज, राष्ट्रीय कार्यकारिणी छोड़ने की दी धमकी, झारखंड में रविंद्र राय को अध्यक्ष बनाने से है खफा। यशवंत ने लाल कृष्णा आडवाणी से जताई नाराजगी, कहा बस बहुत हो गया।
यशवंत सिन्हा ने फोन पर राजनाथ सिंह से भी नाराजगी की वजह बताई। राजनाथ ने कहा, दिल्ली लौट कर करूंगा बात। 100 दिन बाद कश्मीर घाटी में खुले स्कूल, अशांति की वजह से नहीं खुल पाए थे स्कूल। तरनतारण में दलित महिला और पटना में शिक्षकों पर पुलिसिया कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट नाराज, पूछा क्यों अब तक नहीं लागू हुए पुलिस रिफॉर्म। लखनऊ में सीएम अखिलेश ने 10,000 छात्रों को बांटे लैपटॉप, चुनावी वादे की पहली किश्त पूरी की। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले किया था समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप देने का वादा, 15 मार्च को यूपी सरकार को पूरे हो रहे हैं एक साल। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज से, सूखे के मुद्दे पर विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी। महाराष्ट्र के बजट सत्र के पहले सीएम ने दी चाय पार्टी, शिवसेना बीजेपी ने किया बहिष्कार। दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों में आज हड़ताल, जयपुर और चंडीगढ़ में वकीलों की पिटाई के खिलाफ बार काउंसिलों का विरोध। दिल्ली में दाखिल हुआ पहुंचा यमुना बचाओ आंदोलन का कारवां, कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा नेशनल हाईवे, बाद में खोली गई सड़क। बदरपुर बॉर्डर पर रोक दी गई थी यात्रा, ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रकों से भर कर आए थे आंदोलनकारी, दिल्ली पुलिस ने नहीं दी ट्रैक्टर समेत घुसने की इजाजत। मथुरा से 1 मार्च को हजारों लोगों ने कूच किया था दिल्ली, रास्ते भर जुड़ते गए लोग, आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन। आज संसद में भी गूंजा यमुना नदी के प्रदूषण का मामला, लोकसभा में उठा मुद्दा। लोकसभा में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने यमुना के प्रदूषण पर जताई चिंता, कहा रायबरेली होकर बहती तो इतनी मैली नहीं होती यमुना। यमुना आंदोलन पर केंद्र सरकार ने संबंधित राज्यों के मंत्रियों की बुलाई बैठक, शाम 6 बजे श्रम मंत्रालय में शुरू होगी बैठक। यमुना नदी की हालत भगवान भरोसे, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत का बयान, अगर इंद्रदेव साल भर बरसे तो ठीक हो जाएगी यमुना की हालत। कर्नाटक के निकाय चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को झटका, कांग्रेस ने 1800 ज्यादा सीटें झटकी, बीजेपी को केवल 819 वार्डों में मिली जीत, 2007 में बीजेपी को मिली थी 1180 सीटें। जनता दल सेक्युलर ने हासिल बीजेपी से ज्यादा सीटें, 872 वार्डों पर किया कब्जा, येदुरप्पा को केवल 258 सीटों से करना पड़ा संतोष। महाराष्ट्र में गठबंधन के मसले पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की सांसदों के साथ बैठक, राहुल ने कहा खींचनी होगी गठबंधन रेखा। कई कांग्रेसियों ने चुनाव अकेले दम पर लड़ने का दिया सुझाव, राहुल ने कहा पार्टी को मजबूत करना है मकसद। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर अश्विनी कुमार को राज्यपाल बनाए जाने पर बीजेपी का एतराज, जसवंत सिंह ने कहा केंद्र को इस तरह के फैसले से बचना चाहिए। पीएमओ में राज्य मंत्री नारायण सामी ने दिया बीजेपी को जवाब, कहा एनडीए कार्यकाल में कई पुलिस अधिकारियों को बांटी गई थी रेवड़ियां। इस हफ्ते कैबिनेट में चीनी को डी कंट्रोल करने पर हो सकता है फैसला, फूड सिक्योरिटी बिल पर भी हो सकता है विचार। डीएसपी मर्डर केस में सीबीआई पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से मिली 1 घंटे तक की पूछताछ। हत्याकांड में मारे गए प्रधान नन्हे यादव के परिजनों से भी पूछताछ की, घटना की कड़ी जोड़ने की कोशिश। गिरफ्तार 2 आरोपियों को भी रिमांड पर लेगी सीबीआई, कोर्ट में दाखिल की अर्जी। सीबीआई ने आरोपी गुड्डू सिंह की कॉल डिटेल निकाली, कॉल डिटेल के आधार पर उससे होगी पूछताछ। सीबीआई की अब तक की जांच से संतुष्ट है परवीन आजाद, कहा दर्ज किया जाएगा उनका बयान। आईपीएस अफसर शाहजीत मोहन को 13 साल कैद और 3,00,000 जुर्माने की सजा, साबित हुआ ड्रग्स सिंडिकेट से सांठगांठ का मामला। चंडीगढ़ के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में डायरेक्टर थे शाहजी मोहन, 2009 में मुंबई एटीएस ने 12 में 4 निकली किलो हीरोइन बेचते रंगे हाथों पकड़ा था। तस्करों से 60 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी, 30 किलो मालखाने में जमा कराया, बाकी का 30 किलो अपने पास रखा।
हिरासत में मौत मामले में मजीठा के एसएसपी प्रीतपाल सिंह को 10 साल की सजा, डीएसपी और दो कांस्टेबल भी गए जेल। 1993 में आतंकी जुर्म में पटियाला से तेजिंदर नाम के युवक को उठाया गया था, बाद में वो गायब हो गया। जम्मू कश्मीर के रजौरी में खाई में बस गिरने से अस्पताल में मची अफरा तफरी, घायलों की आड़ में हेलीकॉप्टर से भागा बलात्कार का आरोप। अस्पताल में दाखिल परवेज अहमद ने भीड़ में घुसकर 5,000 की राहत राशि भी ली, उसके बाद सरकारी हेलीकॉप्टर में बैठकर हुआ फरार। फरार होने पर पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश, पुलिस ने दोबारा पकड़ा, अब मामले की जांच। हिट एंड रन मामले में सलमान खान की पेशी टली, वकीलों की हड़ताल की वजह से पड़ी अगली तारीख। सोहेल खान की फिल्म मेंटल की दुबई में शूटिंग कर रहे थे सलमान, फिलहाल हेल्थ चेकअप के लिए अमेरिका में है सलमान। भोपाल पुलिस ने बरामद किया अवैध हथियारों का जखीरा, 24 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 11 जिंदा कारतूस बरामद। रैकेट के सरगना उमेर खान के यूपी के बाहुबली नेताओं से संपर्क, यूपी का रहने वाला है उमेर। उमेर से पिस्टल खरीदने वालों पर भी पुलिस नकेल, अब तक 1.5 दर्जन गिरफ्तार। कोयला आवंटन घोटाले में सीबीआई ने झारखंड में 9 जगह मारे छापे, रुंगटा कंपनी है निशाने पर। हजारीबाग के पास रुंगटा को मिला था कोल ब्लॉक, रुंगटा कंपनी का माइंस का भी कारोबार। बिट्टी मोहंती मामले में ओडिशा पुलिस की चुप्पी, का ओडिशा का इस मामले से कोई लेन देना नहीं। बिट्टी मोहंती की गिरफ्तारी पर ओडिशा सरकार भी खामोश, राज्य के पूर्व डीजीपी का बेटा है बिट्टी मोहंती। 3 दिन पहले केरल से गिरफ्तार हुआ था बिट्टी मोहंती, जर्मन महिला से रेप में मिली थी 7 साल की सजा। यूपी के हाथरस में एसडीएम पर पेट्रोल फेंककर जलाने की कोशिश, बाद में आरोपी ने खुद पर भी छिड़का पेट्रोल। जायदाद बंटवारे के मामले से परेशान था वृद्ध दंपति, सीएम से लेकर डीएम तक लगा चुका था चक्कर। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में दक्षिण कोरिया ने भारत को दी मात, 1-2 गोल से हरा भारत। अजलान शाह हॉकी में भारत ने हारा लगातार दूसरा मैच, अंक तालिका में सबसे नीचे है भारतीय हॉकी टीम। कर्नाटका बुलडोजर्स ने किया सीसीए ट्रॉफी पर कब्जा, तेलुगु वॉरियर्स को 26 रन से हराया। कर्नाटका बुलडोजर्स को घरेलू मैदान पर मिला फायदा, 2 साल बाद सीसीएल ट्रॉफी की अपने नाम। विपाशा और सोहेल खान भी पहुंचे फाइनल देखने, विपाशा ने कहा कर्नाटक बुलडोजर्स का चैंपियन बनने का दावेदार। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में बगावत, कोच के फैसले के खिलाफ शेन वॉटसन ने किया घर लौटने का फैसला। वॉटसन समेत 4 खिलाड़ियों पर गिरी थी अनुशासनहीनता की गाज, तीसरे टेस्ट से वॉटसन, पैटिंसन, जॉनसन और ख्वाजा बाहर हुए थे। कंगारू कोच ने सभी खिलाड़ियों से मांगा था प्रेजेंटेशन, लेकिन डेडलाइन तक 4 खिलाड़ी नहीं दे पाए प्रेजेंटेशन। 4 खिलाड़ियों के बाहर होने से कंगारू टीम मुश्किल में, चोट की वजह से विकेट कीपर मैथ्यू वेट के खेलने पर पहले से ही सस्पेंस। भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है दूसरा विकेट कीपर, ब्रेड हेडन को रखा गया स्टैंड बाय। भारत के खिलाफ जनवरी 2012 में एडिलेड टेस्ट के बाद हेडन ने नहीं खेला है टेस्ट मैच, घरेलू क्रिकेट में अच्छा रिकॉर्ड। 14 मार्च से मोहाली में खेला जाएगा तीसरा टेस्ट, 4 टेस्ट की सीरीज में पहले दोनों मैच हार चुका है ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने श्रीलंका को दिया मुंहतोड़ जवाब, श्रीलंका के खिलाफ खड़ा किया रनों का पहाड़। बांग्लादेश के कप्तान मुशफिकुर रहीम ने बनाया रिकॉर्ड, दोहरा शतक बनाने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर बने। गोल टेस्ट में दोहरा शतक बनाने से चूके बांग्लादेश के बल्लेबाज मोहम्मद अशरफुल, 190 रन बनाकर हुए आउट।